राधा मोहन दास अग्रवाल उच्च सदन के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं सर, गोरखपुर से आते हैं और आपने योगी आदित्यनाथ के लिए सीट खाली की थी, अब उच्च सदन जा रहे हैं, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? सिर्फ मैं इसे स्थान परिवर्तन के रूप में देखता हूं। हम लोग को जहां दायित्व तो दिया जाता है संगठन के द्वारा, मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा, और जब तक दिया जाता है तब तक हम वहाँ अपना काम करते हैं। 20 साल इसी सदन में मुझको भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने काम करने का अवसर दिया है, और अब मुझे कहा गया है कि आप देश के फलक पर चलिए और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के काम करिए, तो ये तो मेरा प्रमोशन है। मैंने कोई सीट छोड़ी है ये तो कोई मतलब ही इसका नहीं था। जब मैं छोड़ रहा था तब भी मैं जान रहा था कि मैंने कभी पकड़ी ही नहीं, तो छोड़ूँ कैसे? आप मेरे घर पर अगर चले जाएँ गोरखपुर किसी को भेज के, 20 साल मैं विधायक रहा हूँ, मेरे घर के सामने आप विधायक की नाम पट्टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को विधायक माना ही नहीं। एक दिन तो सबको पूर्व हो जाना होता है, और मुझे तो खुशी होनी चाहिए और मैं जानता हूँ आप भी खुश हैं। नहीं, योगी जी ने पहली बार आपको चुनाव लड़ाया था, उसके बाद से लगातार रहे, फिर योगी जी के लिए आपने उस सीट खाली की? योगी जी के लिए खाली नहीं की, अपने लिए खाली की। योगी जी जब 2002 में हमें चुनाव लड़ा रहे थे तब भी यही कह रहे थे कि राधा मोहन नहीं, मैं लड़ रहा हूँ। मंचों से उनका भाषण था कि राधा मोहन नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, तो वही लड़ रहे थे, वही जीत रहे थे। और आज अगर वो कह रहे हैं कि मैं उस समय तुम्हारे माध्यम से लड़ रहा था, आज खुद लड़ूंगा, तो मेरे लिए तो गर्व का विषय है। मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं गोरखपुर विधानसभा में, वो कभी गोरखपुर का इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा 20 साल राधा मोहन थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ हुए, तो मेरी तो उपलब्धि है ये। आपकी उपलब्धि है, गोरखपुर से 2 लोग उच्च सदन जा रहे हैं, 75+ का नारा भी योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है, इसको कैसे फुलफिल किया जाए? इसमें कुछ है ही नहीं, 75 का कोई इशू ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों कहा, 80 क्यों नहीं कहा? आप तो जानते हैं कि आप 80 के 80 जीत सकते हैं, आज वो स्थिति बन चुकी है। उन्होंने कहा देखो लोकतंत्र में विपक्ष भी होना चाहिए, 2-4-5 सीटें उनको भी जीतनी चाहिए, तो मैंने 75 इसलिए कहा है क्योंकि 5 सीट मुझे उन्हें जितानी पड़ेगी, अन्यथा अपने आप तो वो 5 भी नहीं जीतने वाले हैं, तो हमें अपनी भी 75 जीतनी है, और जनता उनको 5 की जितवाने के लिए भी तैयार नहीं होगी, उनको भी 5 जितवाना होगा। हमारे 75 का ये रहस्य है। बिल्कुल, 75 का ये रहस्य है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से जब इन्होंने बात की तो कहा कि विपक्ष भी होना चाहिए, लिहाजा आने वाले समय 2024 का समीकरण और खाका भारतीय जनता पार्टी खींच रही है। कैमरा पर्सन अमर शाह के साथ पवन सिंह सेंगर, जी मीडिया, विधानसभा।